हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 2 अप्रैल गुरुवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि और गुरुवार का दिन है। ऐसे में आपको कई प्रकार के शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आज के दिन आपको अपने पैसों से जुड़े आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलेंगे। आज किसी कारणवश आपको अपने पिता पर गर्व महसूस होंगे और छात्रों के लिए दिन काफी बेहतर हैं। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को आज काम में राहत मिलेंगे और आपको अपने घर वालों के सहयोग से हर चीजों को अच्छे से संभालने में सफलता मिलेंगे। आज नवरात्रि के 9वें दिन घर में धार्मिक अनुष्ठान करने का आयोजन कर सकोगे। कोई जानकार व्यक्ति आपसे बच्चों के करियर के लिए सलाह ले सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से आज आपका दिन काफी ऊर्जावान रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेंगे और लंबे टेक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर सकेंगे। आप हर काम को अच्छे से पूरा करोगे। जीवन में लोगों का सहयोग मिलते रहेंगे और आपके रुके हुए काम काज पूरे हो सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आपका दिन काफी बेहतर रहेंगे। आज वर्क फ्रॉम होम करके कर्मचारियों को किसी जरूरी काम में ऑफिस जाना पड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी से अपने दिल की बातों को कुछ शेयर कर सकोगे। बच्चे किसी काम में आपकी मदद कर सकेंगे। आप बच्चों का पूरा सहयोग करोगे और आज के दिन महिलाओं को किसी अच्छे जगह पर जाने का मौका मिल सकेंगे और सौंदर्य की वस्तुओं पर अपने खरीदारी कर सकेंगे और किसी कस्टमर आपके पारिवारिक संबंध जुड़ सकेंगे। व्यापार में आपकी वृद्धि होंगे और आपके घर पर किसी नए मेहमान के आयोजन करने का आने का संभावनाएं दिख रही हैं। आपको अपने कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत रहेंगे। आपको आमदनी के ध्यान देने होंगे और आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा संयम बनाए रखने की कोशिश करनी होंगे। करियर को सही दिशा देने के लिए आज आप कुछ बड़े फैसले ले सकोगे। आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। आपको समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, इससे आपको डिहाइड्रेशन की परेशानियां नहीं रहेंगे। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेंगे, विरोधियों से आपको छुटकारा मिलेंगे और जीवन में लोगों का सहयोग और सफलता आपको मिलती रहेंगे। आज बच्चों के किसी काम में आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आपको पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ने चाहिए, इससे आपको कामों में सफलता मिलेंगे। और किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें। आपको अपने कानों सुनी बातों पर विश्वास करने होंगे। दूसरे लोग आपके प्रोत्साहन करने के क्षमता को बिगाड़ सकते हैं। सेहत के मामलों में आपको ध्यान देने होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बने रहेंगे। लंबित के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन रहेंगे। लोगों का सहयोग भी प्राप्त होंगे। अगर आप किसी से अपने दिल की बातों को कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आप अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने दिल की बातों को कह सकोगे। इनसे आपके दिल की बोझ कम हो सकेंगे। आज आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल रहोगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकेंगे। फर्नीचर का काम कर रहे लोगों को आज के दिन फायदे होंगे और विशेष रूप से आपको लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अपने पहचान बनाने
बड़े कामों का मिलेंगे। आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है। पार्ट टाइम जॉब कर रहे छात्रों को नौकरी पक्के होने के योग बन रहे हैं और किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का मौका मिलेंगे। आज के दिन आप अपने परिवार वालों के साथ मंदिर दर्शन करने जा सकोगे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको अपने काम में सतर्कता बरतनी होंगे। बिजनेस में किसी भी तरह के लेन देन करने से आपको बचने होंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेंगे इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता रहेंगे। साथ ही आपको अपने खाने में विटामिन्स को शामिल करने होंगे। आपको अपने किसी भी तरह के नुकसान का भरपाई करने के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने जीवन साथी से बिजनेस की कोई बात को शेयर कर सकोगे। जीवन साथी को कोई काम को लेकर आपको अच्छी सलाह मिल सकेंगे। परिवार का माहौल बेहतरीन रहेंगे और कुछ दिनों से आपकी आंख की समस्याएं हैं वे अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आज के दिन आपको उनसे काफी राहत मिलेंगे। आर्थिक स्थितियां काफी अच्छी रहेंगे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन तरह तरह की योजनाओं को बनाने का मौका मिलेगा। आपको परिवार वालों का पूरा सहयोग प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से आपके माता पिता मदद कर सकेंगे और कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। अगर आपके संतान विवाह के लायक हैं तो उनके लिए कोई अच्छे रिश्ता आ सकता है। सेहत के लिहाज से आप काफी फिट महसूस करोगे। ऑफिस में आप अपना काम अच्छे से पूरा कर सकोगे। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेंगे। आज आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। जीवन साथी से आपको कोई अच्छी खबर मिलेंगे। विद्यार्थियों को जीवन के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। आज के दिन करीबी लोगों की राय मानना आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बड़े भाई के सहयोग से आज आपका रुका हुआ कोई कार्य पूरा हो सकेंगे और आज के दिन आपको समस्याओं का समाधान भी मिलने वाला है। अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो आज के दिन आपको इनसे छुटकारा मिल सकेंगे। आज नवरात्र के 9वें दिन भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेंगे। जीवन साथी को कोई बड़ी सफलता मिलेंगे और आप कुछ अच्छे काम में अपना सहयोग दे सकोगे। इनसे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेंगे और कई दिनों से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो सकेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिलेंगे। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। समाज में आपका प्रतिष्ठा मान बढ़ने वाला है। आज प्रॉपर्टी लेने का मन बना सकोगे। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में विचार कर सकोगे। लवमेट एक दूसरे को गिफ्ट दे सकेंगे। ऐसे में एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करके अपनी ईमानदारी को प्रस्तुत कर सकोगे। आज आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगे। भौतिक साधनों की प्राप्ति होंगे। आपको अपने घर वालों से पूरा सहयोग मिलेंगे। एजुकेशन के मामलों में आपका दिन अच्छा रहेंगे। करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकोगे। आपको अपने कार्यों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों को आज के दिन बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होंगे और तरह तरह की योजनाओं को बनाने का बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आज के दिन को आप अच्छे तरह से उपयोग करने का प्रयास करें और किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को सहज बनाने का पूरा कोशिश करें। व्यापार में आशानुसार लाभ की प्राप्ति होंगे। आपके मित्रों की सहायता से कोई बड़ी इच्छाएं पूरी होंगे। करियर में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे और तरक्की के नए आयाम हासिल कर सकोगे। आपका कामकाज सूझबूझ के साथ खत्म होंगे। घरेलू समस्याओं का समाधान होंगे। बच्चों के भविष्य की चिंता समाप्त हो सकेंगे। माता रानी के आशीर्वाद से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको समय समय पर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की खुशियां मिलने वाली हैं। आपका मानसिक तनाव कम होंगे। आपका कामकाज का बोझ भी कम होंगे और आप अपने मित्रों के साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप के बारे में विचार कर सकोगे। धन लाभ के साधनों में वृद्धि होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य की अपेक्षा नहीं करनी होंगे। विशेष रूप से आपको अपने तकनीकी से जुड़े छात्रों को बेहतरीन लाभ मिलेंगे। कृपा से आपके पास दौलत की कमी नहीं होंगे। आपको अपने पैसों का निवेश सही जगह करने का मौका मिलेंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपकी आय में लगातार बढ़ोतरी होंगे और आपको अपने जीवन में प्रेम का समावेश हो सकेंगे। आपको लोगों के बीच परिवार वालों का माता पिता का सहयोग मिलेंगे। समाज में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको अपने नौकरी पेशा वालों को अपने वेतन में वृद्धि देखने को मिलेंगे और आपके अपने कामकाज रुके हुए हैं।
हैं वे पूरे हो सकेंगे। आपके प्रेम संबंधों और मान सम्मान में बढ़ोतरी होंगे। खासतौर पर जो लोग व्यापारी हैं उनको अपने व्यापारिक क्षेत्रों में अच्छा खासा मुनाफा मिलेंगे। आज आपको पुराने दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिलेंगे। मानसिक रूप से आपकी उलझने कम हो सकेंगे। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं दूर होंगे। सामाजिक जीवन में आपको सफलता मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकते हैं एवं कारोबार के क्षेत्र में भागीदारों के बीच मनमुटाव हो सकते हैं। अपने आप को पार्टनर और परिवार के लोगों के बीच प्यार को बढ़ाए रखने का प्रयास करें। कामकाज को लेकर आप कोई नई योजना बना सकोगे। आपकी योजनाएं कारगर साबित होंगे। आपके सेहत सुधार आने के योग दिख रहे हैं। घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगे। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। आप जो भी कार्य ईमानदारी से करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को किसी नए कार्य में धन निवेश करने का योजना बना सकोगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मानसिक तनाव कम रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान की प्राप्ति होंगे। आपके द्वारा समस्याओं का निदान होंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी। हेलो मित्रों, जय।